दोस्तों, बॉलीवुड के एक एक्टर है समीर सोनी, और अच्छे एक्टर है। ये बात अलग है कि वो बहुत कम फिल्में करते हैं, उसका भी जवाब हम उनसे इस इंटरव्यू में पूछेंगे। लेकिन ये इंटरव्यू बतौर एक्टर नहीं, बतौर ऑथर है। जी हाँ, समीर सोनी अब ऑथर भी बन चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस लिखी है, जो ऑलरेडी आउट है। तो हियर ही इज समीर, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Thank you very much, Kumul. Thank you for having me. Sameer, actor से author बनने का कैसे सोचा आपने? आपके अंदर एक author छुपा हुआ है, एक लेखक छुपा हुआ है, ये आप जानते थे? Actually, मुझे writing का शौक था, मगर ऐसा नहीं सोचा था कि अभी author बनूंगा। तो मैं अक्सर अपनी diary लिखता था, तो उससे मुझे काफी सुकून मिलता था। जब भी जब थोड़ी टेंशन होती थी कुछ है, तो लोगों से बात करने से जगह मुझे अच्छा लगता था कि अकेले में बैठ के लिखता रहूं कुछ में। वो एक कैथारसिस टाइप होता था, तो इट्स टू फील गुड। मगर मैंने कभी अपने आपको सीरियसली, जो पढ़ता था बोलता रहे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, मगर मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं। बीच में मैंने एक फिल्म भी लिखी, सो थोड़ा मतलब लगा शायद, बट एनीवे कोविड के टाइम पे हुआ कि मुझे प्रीति चतुर्वेदी जो हेड करती हैं सनफ्लावर सीड कंपनी, जो मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने अप्रोच किया कि समीर आप एक मेमोआर्स लिखेंगे किताब। मैंने कहा यार मेमोआर्स तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लिखने में, क्योंकि ऑनेस्टली एक फैशन सा बन गया है, जो भी एक्टर बनता है अपनी कहानी लिखता है, थोड़ा ईगोइस्टिक बन जाता है मुझे, एटलीस्ट मेरे परसेप्शन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब हैं, मुझे हमेशा दिमाग में लगता था कि यार मैं इतना बड़ा कोई स्टार तो होने की अपनी कहानी लिखा, सो आई डिडंट फील कंफर्टेबल। मैंने कहा मगर हाँ, कुछ साल पहले मैंने काफी एक टाइम था जब मैंने बहुत लिखा, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, जिसमें बेसिकली थॉट्स हैं, मेरे फीलिंग्स हैं, जो मैं सोचता हूँ लोगों के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, थॉट्स के बारे में, वो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है वो किसी लायक है देन वी कैन टॉक। So I shared that with Preeti, who went to Om Publications, and they loved it. So उन्होंने कहा this is lovely, इसको we need to पूरा elaborate it थोड़ा सा. So then मुझे थोड़ा confidence मिला कि if a publishing house, if an editor is saying, because उसमें काफी poetry है, काफी prose है, तो खुद को judge करना बड़ा मुश्किल होता है ना, कई बार तो लगता है कि मतलब कोई बोलेगा क्या लिख दिया उठा के. But when a publishing house and editor supports of your writing, और तो कोई मसाला नहीं है, ऐसा नहीं मैंने वो कुछ gossip लिख दिया, then I thought okay, then I started writing more and more and more, and then finally culminated as a book की my experiments with science. ये कहानी है, तो मैं author कभी सोचा नहीं था, अभी भी नहीं सोचता हूँ, जितना लिखा लिखा आगे देखेंगे। पर मुझे ये बोलिए, जब उन्होंने आपको approach किया और आपने कहा कि मैंने काफी कुछ लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपने दो मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि ये आपकी पर्सनल चीजें हैं और पर्सनल एनेक्डोट्स है, तो आप शेयर करेंगे कैसे करेंगे, झिझक हुई? बहुत एक्चुअली कोमल, ये मुझे ऑफर 10 साल पहले भी आया था एक और पब्लिकिंग हाउस से, और उनके साथ मैंने शेयर किया था, और उन्होंने भी यही कहा था कि आप नेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं। उस टाइम मैं मेंटल फ्रेम में नहीं था, उस समय मुझे लग रहा था क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ 10-12 साल पहले की बातें हैं, वो एक पीरियड था मेरी लाइफ का जो मुझे लगता काफी इवेंटफुल पीरियड था, तो उस समय मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ जो भी हाथ से जिसके थ्रू मैं जा रहा था वो बहुत नजदीक थे मेरे। मगर अब 10 साल निकल चुके थे, एंड स्पेशली जब कोविड का टाइम आया, दिस वॉज ड्यूरिंग कोविड, और आसपास जो मैंने इतना देखा जो हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड के, लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिर सुसाइड, ये सब देख के मुझे लगा कि शायद इस किताब के लिए कोई जगह है, और तब तक टाइम गुजर भी चुका था, तो मैं इतना पर्सनली अटैच्ड नहीं था, इतना इन्वॉल्व्ड। देन आई स्टार्टेड सीइंग दैट कि ये किताब मेरे बारे में नहीं है, ये किताब इज फॉर अदर पीपल जो इससे रिलेट कर पाए, ताकि वो समझें कि वो अकेले नहीं, बिकॉज कोविड के दौरान काफी लोग को अकेलापन महसूस हो रहा था, ठीक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा दिस वुड बी द वॉइस फॉर दैट, सो दैट्स हाउ। तो कहने का मतलब है, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह आपके लिए ये किताब लिखने या लिखते वक्त थेरापूटिक थी, रीडर के लिए भी थेरापूटिक हो सकती है? उम्मीद है कि होगी, यही मेरी एक उम्मीद है। मैं कभी कॉन्शियसली मैंने इसमें किया है, जिसमें मैंने काफी नोट्स लिखे हैं, अपनी डायरी की एंट्रीज हैं, मैंने उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है,
कि क्या हुआ था, मैंने सिर्फ लिखा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो पढ़े वो बोले अच्छा समीर के साथ ऐसा हुआ था, दिस इज नॉट अबाउट मी। मैं चाहता था कि वो रिलेट करके यार हाँ ऐसा कभी मुझे भी फील हुआ है। सो द आइडिया वॉज दैट कि लोग अपने अपना अपनी परछाई इस किताब में देखें। तभी आप नोटिस करेंगे मैंने किताब के कवर पे अपनी फोटो भी नहीं डाली, बिकॉज बात है, तो इट इज बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मी। मैं इनमें से एक हूं, इनमें से हजारों लाखों लोग होंगे जो इस जो मैंने लिखा है उससे रिलेट कर पाए, उसकी बात हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। क्योंकि ये आपकी पर्सनल डायरीज से लिए गए चैप्टर्स कहिए या इंसिडेंट्स कहिए, एनेक्डोट्स कहिए, कितना मुश्किल था उन बातों को रिविजिट करना? एक्चुअली ऑनेस्टली जो मैंने पहले लिखा था उसको मैंने जब पूरा कलेक्शन एडिटर को दे दिया, शांतनु जो है ओम में, तो उन्होंने मुझे वापस भेजा, मुझे हिम्मत नहीं हुई वो फिर से पढ़ने की। इट वॉज स्टिल क्लोज टू हार्ट, अभी भी पढ़ता हूँ तो मेरा हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट आई हैड फेथ इन, क्योंकि जब मैं लिख रहा था, अक्सर क्या होता है लोग मेमोआर्स में या बुक्स में लिखते अपने किस्से जो उनके साथ हुआ था, जो 70% जो किताब है ये तब लिखी गई है जब मेरे साथ हो रहा था, नॉट हुआ था, हो रहा था मेरे साथ उस समय, मैं उसके थ्रू गुजर रहा था। अगर मुझे डर लग रहा तो कई मुझे याद है, मैंने कई पैसेजेस अच्छी तरह याद है, जब वो मैं लिख रहा था मेरी आंखों में आंसू थे, और एक बार मैं लिख रहा था कि आंसू कागज के पन्ने पे पढ़ा भी। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई किताब है नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक बहुत नीटली पैकेज सी किताब मिलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैंने ऐसा किया वो किया, ये है कि मेरे साथ जो मतलब व्हाट आई वाज फीलिंग एंड गोइंग थ्रू आई वाज राइटिंग दैट डाउन, इट वाज एन अकाउंट ऑफ माय फीलिंग एंड माय थॉट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। और ये इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आजकल अगर हम देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल से भाई 7 steps टू सक्सेस, 8 steps टू हैप्पीनेस, तो बट कोई जर्नी नहीं बताता कि आप वहां कैसे पहुंचे। मेडिटेशन में सब बड़ा इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव देखते हैं कि हाँ मेडिटेट कीजिए सब ठीक हो जाएगा, अक्सर दिल में बात होती है आपने तो कर लिया हम तो कर ही नहीं पा रहे। करेक्ट। तो अपनी जो जर्नी है वो बहुत कम लोग, मैंने नहीं पढ़ा है जो किसी ने लिखी हो, आई वॉन्ट टू शेयर माई स्ट्रगल्स एंड माई जर्नी ट्राइंग टू रीच दैट लेवल। और उस दौरान मैंने काफी बड़े बड़े सवाल जो मेरे दिमाग में आए कि सक्सेस क्या चीज होती है, हैप्पीनेस क्या चीज होती है, मतलब मैं कौन हूं, मैं जो हूं वो क्यों हूं, बिकॉज मेरा मन में बहुत बड़ा सवाल मैंने पूछा कि आर यू श्योर दैट योर ड्रीम इज रियली योर ड्रीम एंड नॉट द ड्रीम दैट यू वर सोल्ड। अभी बचपन से कोमल, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, क्लास में फर्स्ट आओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, मत किसी ने ये बताया नहीं, मतलब कि शायद मैं ये नहीं चाहता हूं, तो ये किसी हमारे माँ बाप ने, एल्डर जनरेशन ने बोला भाई देखो ये तुम्हें कथा, दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस मींस हैप्पीनेस व्हिच यू एंड आई नो इज नॉट ट्रू। आप जितना भी पैसा कमा लें कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश हो जाए। तो इस बात को मैं अप्रोच करना चाहता था कि आज के जमाने में हर एक सोशल मीडिया टेलीविजन आपको बता रहा है हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू मेक मिलियंस, हाउ टू बी दिस, इतने व्यूज, इतने लाइक्स। जो लोग मतलब उस चीज से रिलेट नहीं करते हैं उनको लगता है अगर मैं इनको ज्वाइन नहीं किया मैं तो पीछे रह जाऊं, जो कि सही नहीं है, आप पीछे नहीं रहेंगे। नहीं एग्जैक्टली, टू मी फाइन एग्जाम्पल, अगर इफ यू गो बैक 60-70 years, अगर हम अपने हीरोज को बोलते हैं तो महात्मा गांधी का नाम आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, मार्टिन लूथर किंग का नाम आएगा, आज इसका नाम आएगा स्टीव जॉब्स। तो हमारी प्रायोरिटी एज अ सोसाइटी सडनली वहां से अब यहां शिफ्ट हो गई है। अब हम ट्राई करते हैं कि टॉप 100 रिचेस्ट मैन कौन है, रिचेस्ट इंडियन कौन है, मगर नंबर वन जो रिचेस्ट है उसकी जरूरी नहीं वो खुश भी है, ये कोई बोलेगा नहीं। जिसके पास इतने पैसे नहीं है जरूरी नहीं कि वो कम खुश है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा खुश हो, मगर वो सुन के शायद सोचेगा कि शायद मुझे कुछ कमी है। अगर आप इंस्टाग्राम में जाएंगे भी देखेंगे भी कोई बीएमडब्ल्यू के सामने खड़ा है, कोई किसी खड़ा है, जिस बेचारे को बीएमडब्ल्यू का शौक भी नहीं है
और वो अपनी मतलब अपनी मारुति से खुश है, वो भी सोचेगा यार मुझमें कुछ कमी है, मुझे खरीदनी चाहिए। तो ये जो सोचने का तरीका है, दिस दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट। यू नो समीर, इससे ही मेरा अगला सवाल उठता है, द डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप डायरी लिखने लगे क्योंकि आप इंट्रोवर्ट है, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे थे इसलिए डायरी का सहारा लिया, सहारा इन इन्वर्टेड कॉमर्स? एक्चुअली मुझे लिखने से एहसास हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा हाँ सभी ऐसे होते होंगे, नॉर्मल है। जब मैंने लिखना शुरू किया, और लिखा मैंने इसलिए क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर अपनी दिल की बात किसी से कहते भी है, पहली बात किसी के पास टाइम नहीं है, अच्छे से अच्छा फ्रेंड हो, अच्छे से फैमिली मेंबर, टाइम नहीं है। दूसरा अगर होगा तो बोला अरे यार इतना सोचा मत कर, ये नहीं चल यार लेट्स गो फॉर पार्टी, लेट्स ड्रिंक, यू आर थिंकिंग टू मच, डोंट बी अलोन पार्टी। या कोई बोलेगा अच्छा है तो आश्रम में जाके वो कर ले, बिकॉज मतलब यू नो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू नो हाउ यू फील। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग, कि मैंने कहा एटलीस्ट मैं लिख रहा हूं, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, सो दैट वे देन आई ऑल्सो डिस्कवर दैट आई एम अ क्लासिक इंट्रोवर्ट। कि भैया इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार, देन आई हैव आई स्टॉप ट्राइंग नॉट टू बी एन इंट्रोवर्ट। पहले था मैं कोशिश कर रहा था, टोकन कोशिश हमेशा, जैसे यू नो माई करियर हमेशा बोलते समीर तो नजर नहीं आता है, करूंगा कुछ करूंगा। अब मैंने कहा नहीं होता मुझसे, मेरा काम है वो काम है, अब मैं नहीं पढ़ सकता। सो दैट वॉज दैट। बट टेल मी, आपकी वाइफ यानी एक्ट्रेस नीलम, उन्होंने भी या उनके साथ भी आपने शेयर नहीं किया? आई थिंक शी न्यू, उनको पता था मेरे बारे में, एज इन की ये ऐसा ही है, ज्यादा बाहर नहीं जाता। इनफैक्ट उनको शायद ये बात पसंद आई थी कि कहते मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो 24 घंटे पार्टी करता रहे, रात भर पार्टी करता रहे। मुझे है कि रात के 9 बजे मेरे को मेरा बिस्तर दिखा दो, मैं कोई भी पार्टी अगर 9 बजे के बाद स्टार्ट होगी मैं नहीं जा सकता हूँ। तो आई थिंक उनको शायद यही बात अच्छी लगी कि मेरे में ये है। मगर हाँ, मगर अक्सर उनको शिकायत भी रहती है क्योंकि अगर मुझे कोई दिमाग में कुछ बात चल रही है मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, तो उनको गुस्सा भी आता है कि यार तुम बोलते ही नहीं हो, क्या है, क्या क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं मैं। तो नीलम जी ने आपकी डायरी पढ़ी या ये किताब पढ़ी? आई थिंक उन्होंने एक ब्राउज की है, डिटेल से नहीं पढ़ी है। मैंने भी काफी डरते डरते उनको दिखाई, बिकॉज यू नो शी ऑल्सो एक्सट्रीमली प्राइवेट, और ये काफी प्राइवेट बातें हैं, तो इनका पता नहीं क्या बोलेंगी। मगर उनका रिएक्शन जो उन्होंने पढ़ा, पहले तो सरप्राइज था कि यार ये तो लिखता भी अच्छा है, ये लोगों को बड़ा अजीब सा, अच्छा है ये तो गुड राइटर। पता नहीं शायद उनको मेरा मतलब मेरे बारे में जो ओपिनियन है थोड़ा कम है, मगर एनीवे सब चीजें पोएम्स पढ़ी, समीर ब्यूटीफुल पोएम, एंड सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी बोलेंगी कि क्यों कर रहे हो, क्यों छाप रहे हो, ये मत करो, बट उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं। सो मुझे और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया, मैंने कहा चलो यार अगर वो मना नहीं कर रही है, नहीं तो पक्का बोलती है समझ क्यों रखो छोड़ो, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे। बट शी डिडंट, शी वाज क्वाइट ओके विद इट, सो इट्स गुड। एंड इन फैक्ट आपका एम कहीं ना कहीं ये भी था कि लोगों के लिए ये बुक, ये किताब यूजफुल साबित हो, तो इट वुड हैव बीन अ सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज अगर आप ये सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग अपने आप को अकेला नहीं महसूस करे, इसीलिए तो आपने ये किताब लिखी और एग्री किया लिखने के लिए। Absolutely, absolutely. This was, मतलब ये मेरे, I mean, it is not for me, मगर क्योंकि बहुत मेरे डिस्कशन भी हुआ, नीलम ने भी कहा कम से कम अपने कवर पे अपनी फोटोग्राफ तो डालो, देखो सब प्रियंका सब डालते हैं। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज आई एम नॉट ट्राइंग टू शेयर कि मेरा क्या है। अगर आपको मेरी राइटिंग में अपनी कोई झलक नजर आ जाए, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आजकल की सोसाइटी में रहकर जो फिट नहीं हो पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम में कुछ कमी है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसे चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसी बनने की कोशिश करें, वो जरूरत नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग एंड क्वेश्चन की यार हम अपने बच्चों को बोलते रहते हो फर्स्ट आओ ये करो वो करो, कोई ये नहीं बोलता कि खुश रहो। अपनी बेटी को से बोलता हूँ कि यू नो बेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मैं नहीं चाहता तुम क्लास में फर्स्ट आओ, अगर मन करता है तो करो। अगर मैं ये नहीं चाहता तुम इतना बड़े नाम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ,
अगर मन करता है तो करो, बट टू मी ऑल आई कैन से इज डू व्हाट एवर मेक्स यू हैप्पी, जो तुम्हारे दिल को सुकून दे बस। तो दुनिया जाए कहीं भी मगर यू शुड बी, बिकॉज दैट इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस है। दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी, अगर आप यहां गए तो यहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं गए, वहां गए तो वहां क्यों नहीं गए। समीर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमेशा की तरह जब भी मैं आपसे मिलता हूं मैं ये क्वेश्चन आपको पूछता ही हूं, अभी भी पूछूंगा, इतनी कम फिल्में क्यों साइन करते हैं आप? मैं मान नहीं सकता कि आपके हिस्से कम फिल्में आती है, आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हैं या बहुत ज्यादा अप्रोचेबल नहीं है, क्या होता है? और आजकल तो वेब सीरीज भी बन रहे हैं, सीरियल्स भी बन रहे हैं, फिल्में भी बन रही है, कॉन्टेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी समीर सोनी की कमी नजर आती है। मैं कुमार वेब सीरीज काफी कर रहा हूँ एक्चुअली, और थोड़ा पिकी होना भी थोड़ा कम कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने भी अच्छा। अपने आप से ये सवाल पूछा, क्योंकि एक बार टाइम आया कि मैं परेशान था यार, काम नहीं है, फिर मैंने कहा यार अभी पिछले हफ्ते तो कॉल आया था तेरे को, फिर आपने मना कर दिया और आप शिकायत कर रहे हैं कि काम नहीं है यार, ये तो फिर तो किसी को और को दोष ही नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार अब मैं थोड़ा रिस्क लूंगा, पहले था डर था नहीं ये नहीं ये ठीक नहीं है अच्छा नहीं है, अब मैंने एक चीज रियलाइज की है, आई थिंक पैंडेमिक में वैसे मी द थिंग आई एंजॉय इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और एन ऑडियंस। मुझे आउटकम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, कैमरा के सामने। सो इनफैक्ट मेरी जो एंट्री इन टू एक्टिंग हुई थी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी एक्टर। जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको होता है कि यार एक्टिंग का बड़े पर्दे पे आना है और यू नो स्टार बनेंगे या ये होगा, मेरा था कि मैं बचपन से बहुत शाय था, तो मुझे थिएटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया एट द एज ऑफ 8। जब मैं 8 साल का था मैंने पहली बार प्ले किया तो मुझे एक फ्रीडम महसूस हुई, जब मैं परफॉर्म कर रहा था वो समीर नहीं था, वो कोई और कैरेक्टर था, मगर उसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। तो वो ही जो चीज थी वो मैं कहीं भूल गया था, इस मतलब होता है ना भाग दौड़ में कि नहीं यार ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं कहा मगर तुम्हें ये खींचा किस चीज ने खींचा तुम्हें एक्टिंग की तरफ, वो था कि व्हेन यू डू दैट इट इज थेरेपी। जब आप रोते हैं तो आपके असली इमोशंस निकलते हैं, नकली नहीं निकलते, नकली नहीं निकलते। सो सिंस देन आई यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ मी, शायद आप बोलोगे बस करे अभी बहुत ही वो नहीं बोलूंगा। और हमारे जो व्यूअर्स है उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस किताब को पढ़ना चाहे, बुक स्टोर में तो मिलती होगी लेकिन ऑनलाइन अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो क्या सिस्टम है? इट इज अवेलेबल ऑन amazon.in amazon.in। अभी हम प्री ऑर्डर पे चल रहे हैं, सो दैट मींस यू गेटिंग अ डिस्काउंट, आई थिंक इट्स फॉर 275 नाउ जो पहले ऑर्डर करेगा, बिकॉज द बुक बुक स्टोर में 26 तारीख को आएगी एंड फर्स्ट प्री ऑर्डर्स विल गेट एन ऑटोग्राफ बुक एंड Amazon में जाइए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेस्ट फॉर यू। इतना मैं अगेन इतना अगर आपको पसंद नहीं आती है आप प्लीज मुझे लिखिए, आई विल रिफंड योर मनी। ओह वाओ, दैट्स क्वाइट अ गारंटी। और आखिरी सवाल समीर, डायरी लिखने के बाद या ये बुक लिखने के बाद आप अपने आप को कितना अलग महसूस कर रहे हैं? और डर लग रहा है काम तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी डर लग गया थोड़ा सा, पहले जब फिल्म डायरेक्ट की थी हाँ समीर जो डायरेक्टर बन गया, अब डर लग रहा है अब तो ऑथर बन गया है। नहीं नहीं, बट टू मी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वुड बी बिकॉज दिस इज प्लग कर देता हूँ बुक को, दिस इज लेबर ऑफ लव एंड आई थिंक इसकी जरूरत है। आई थिंक देयर लॉट ऑफ पीपल जिन मैं उनमें से एक हूँ, बिकॉज आई एम डाई हार्ड इंट्रोवर्ट और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, कोशिश करता हूँ कि मैं बाकी की तरह हाँ यो ब्रो बनने की कोशिश करूं, नहीं हुआ मुझसे। सो आई जस्ट होप जो बाकी लोग ऐसे हैं वो अपने इंट्रोवर्जन को या अपनी शर्म को एक कमी ना समझे, यूज इट एज अ स्ट्रेंथ एंड गॉड विलिंग दिस विल पास एंड बैक टू कैमरा। लवली लवली समीर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, इट जस्ट कुड चेंज योर लाइफ। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।